गोरखपुर में केंद्र और प्रदेश सरकार के तमाम दावों के बावजूद इंसेफ्लाइटिस से मरने वालों की तादाद कम नहीं हो रही, मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और अब ये आंकड़ा पहुंच गया है 420 तक 24 घंटे का। पिछले 24 घंटों का अगर जिक्र करें तो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित 16 नए मरीज भर्ती हुए हैं, 5 की मौत की खबर है और 74 मासूम बच्चे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच के संघर्ष में हैं। इनमें से ज्यादातर बेहद क्रिटिकल स्थिति में बताए गए हैं। मऊ, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, नेपाल और बिहार के मरीज यहाँ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं और हालात ये हैं कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक सिर्फ मेडिकल कॉलेज में 1631 मरीज भर्ती हुए हैं और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मृत्यु दर 25.46% है।